जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि विजय देवरकोंडा लाइगर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किए हैं और उनके साथ अनन्या पांडे भी इस फिल्म में हैं। लाइगर मूवी को वर्ल्ड वाइड हिट कराने के लिए डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने माइक टाइसन को भी कास्ट किए हैं। आपको तो पता ही है कि फिल्म रिलीज के पहले से ही विजय के बयान से काफी ट्रोल में रहा है, जिसका असर आज पहले ही दिन देखने को मिला है, क्योंकि मूवी देखने के बाद पब्लिक का जो रिएक्शन रहा है, ऑडियंस ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि पुरी जगन्नाथ साउथ के बड़े डायरेक्टरों में से एक हैं। उनकी फिल्म टेम्पर, बिजनेसमैन, आय स्मार्ट शंकर और फिल्म पोकिरी, इसके हिंदी रिमेक में सलमान खान वांटेड मूवी लाए थे। लेकिन बात करें फिल्म लाइगर की, तो इसकी स्टोरी लोगों को इंटरवल के पहले ही बोर करके रख दिया है। नॉर्थ इंडिया के थिएटरों में जहां इस मूवी को लगाया गया है, इस मूवी के लिए वहां लोगों का कोई क्रेज ही नहीं रहा है और फिल्म पूरी तरह से पीटते हुए नजर आ रही है। रही बात साउथ के थिएटरों की, तो वहां विजय के फैंस का क्रेज देखा गया है और वहां ये फिल्म कुछ पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन वहां के ऑडियंस को भी ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आया है जितना कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था। फिल्म का मेन वीकनेस इसका स्टोरी को बताया जा रहा है, जहां एक माँ जो चाय की स्टॉल लगाती है, वो ये सपना देखती है कि उसका लड़का एक बड़ा फाइटर बने और फिर उसे इजीली माइक टाइसन से मुलाकात हो जाती है और फिर उसके बाद का वो रिंग का नकली फाइट और अनन्या से मुलाकात, उसके बाद घिसे पिटे गाने, जिसे सुनने के बाद आपका ये रिएक्शन। फिर उसके बाद रिंग में फाइट, अपने माँ के सपने पूरे करना, और ये माँ तो अभी भी माहेशमती के कैरेक्टर में ही घुसी हुई है। ओवरऑल जितना इस फिल्म के प्रमोशन के ऊपर खर्च किया गया है, वो पहले हफ्ते उसके पैसे भी निकाल पाए। और रही बात आज के वीडियो टॉपिक की, तो क्या आपको लगता है कि ये फिल्म अपने बजट के पैसे भी निकाल पाएगा जो 125 करोड़ रुपये का है? और क्या अभी अर्जुन रेड्डी यानी विजय अभी भी पैन इंडिया मूवी रिलीज करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं? क्योंकि जिस तरह से लाइगर फिल्म के ऊपर लोगों का रिएक्शन आया है, उससे तो आने वाले दिन में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल होती हुई नजर आ रही है, जो कि इनकी फ्यूचर में पैन इंडिया मूवी के लिए वार्निंग की तरह साबित होती नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अभी विजय को अपने ही तेलुगु इंडस्ट्री में टाइम देनी चाहिए और जब तक पूरी तरह से पैन इंडिया मूवी लाने के लिए तैयार हो जाए, तभी वो अपना रिस्क ले, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी उनकी फिल्मों को और उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। इवन मी, आपको कोई बॉलीवुड मूवी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके फैंस को आपके उस किरदार की जरूरत है जिसे आपके ऑडियंस देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाली अगली फिल्म इस फिल्म के स्टोरी से कुछ अलग होगा। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही इंटरटेन करता रहूं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको आपका फेवरेट साउथ एक्टर कौन है। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर भूल गए ना, अरे सब्सक्राइब कर लो यार।